हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना 146 के और 147 के। पहले आप 146 के देखेंगे, यहाँ पे देखें 146 है हमारे पास, ठीक है। और आप देखेंगे 146 का लास्ट डिजिट है 6, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। 2 कितनी सा 14 हो जाएगा 7 सा, 2 कितनी सा 6 हो जाएगा 3 सा, हमारे पास आ गया 73। अब हम यहाँ पे 2 तो ले नहीं सकेंगे। क्यों नहीं ले सकेंगे? क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अगर हम 3 लें तो 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो अगर हम ले लें यहाँ पे 3 2 6 कर भी लें, ये 6 बन जाए 1, इसको दे दे 13 बन जाए, 3 के टेबल में 13 नहीं आता। 73 का ओवरऑल को देखें तो 73 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है, 73 में और 1 में आता है। इसका मतलब 73 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो हमने 73 कर लेना। प्राइम फैक्टर्स 146 के क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 73। तो इस तरह हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया 146 के। इसी तरह हम 147 के कर लेंगे। उसके लिए 147 को यहाँ पे लिखें। अब 147 हमारे पास है, लास्ट डिजिट चेक करें 7 है, यहाँ पे हमारे पास 6 था, इसका मतलब हमने 2 ले लिया, लेकिन 2 के टर्म में 7 नहीं आता, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। आप 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। क्यों? देखें, 3 लेने से हमारे पास ये बन जाएगा 12, 7 वाले को 2 दे देगा, 3 के टेबल में 27 आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे 3 ले लें, ठीक है। ये बन गया 12, खुद 14 था, इसने 7 वाले को 2 दे दिया, ये बन गया 27। 3 कितनी था 12 हो जाएगा 4 जा, 3 कितनी था 27 हो गया 9 जा। अब आपके पास आ गया 49। अब आप क्या कर लेंगे? 49 3 में आ सकता है, 3 के टेबल में 9 तो आता है, लेकिन 49 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग करते हैं तो 3 बन जाएगा 19, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, ठीक है। अब 4 में भी देखें, वो भी नहीं आता। 5 में 6 में 7, 7 के टेबल में 49 आता है, 7 जार, 7 के टेबल में 7, 7 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो 7 जार यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स 147 के हम क्या लिख लेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप यहाँ पे लिखे 3 × 7 × 7। तो हमारे पास इसके आए थे 146 के 2 मल्टीप्लाई बाय 73, 147 के आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो इस तरह हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 146 के भी, 147 के भी, ठीक है। होप्स आपको प्राइम फैक्टर्स की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।